सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नमन और स्वागत। आदरणीय दीदी के सामने बोलना बड़ी हिम्मत का काम है, फिर भी मैं हिम्मत करूंगा। छोटी सी बात याद आ रही कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो अब वो पत्थर उछाल दिया है अमन भाई ने और पुनीत भाई ने और दीक्षा की पूरी टीम ने, और देखिएगा बहुत जल्दी इसके बहुत अच्छे अच्छे परिणाम होंगे जो इतना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर एक एडवेंचर शुरू किया है और बड़ी मेहनत से किया है। और इनके मन में जो बात थी वो ये थी कि जो भी काम करें स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट है मैं बताना चाहूंगा आप सबको, वो वही इक्विपमेंट है जो मुंबई में या बाकी दुनिया में यूज हो रहा है। तो आप लोग क्वालिटी की तरफ से 100% आश्वस्त रहिए। तो इसलिए आप पहले अपना फन, अपना टैलेंट यहाँ पे जरूर तलाशें और तराशें और उसके बाद में मुंबई की तरफ रुख करें, तो शायद आप वहां पर जाकर के जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए आप यहाँ से ही तैयार होके जाएंगे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे आदरणीय कर्ण हर्षवर्धन, दीपा आंटी जी, माधवपुरी साहब भी यहाँ पर है, जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है इस आपके शहर लखनऊ को पिछले 20-30 वर्षों में। भले वो प्लेज हो, भले वो यहाँ पर गाने से रिलेटेड हो, बहुत सारे एल्बम्स, और वो अपने जमाने में पायनियर रहे हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर हमारे दीपा आंटी जी और मनहर पुरी अंकल यहाँ पर आ जाए तो एक सेकंड के लिए उनके भी दर्शन कर लें सब लोग। मनहर पुरी अंकल इज अ वेरी गुड राइटर और हमारे आदरणीय अंकल तो हैं, और हमारे आदरणीय दीपा आंटी जी भी जहाँ पर भी हो, दीपा श्री मोहन जी, आई वुड रिक्वेस्ट आंटी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड जॉइन अस, ब्लेस अस। और हमारे कर्नल हर्षवर्धन साहब, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया। अरे वाह वाह, जरूर। तो एक बहुत सुंदर सी बात मुझे याद आ रही थी, ये हमारी दीपा आंटी जी हैं, इन्होंने बहुत काम किया और अपने जमाने में बहुत बहुत लोगों को चांस दिया और आज भी ये आपके साथ जुड़ी हैं, तो इसी आशा के साथ में कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और एक और बात तो बहुत खूबसूरत सी याद आ रही है अचानक से जहन में कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं चाहूंगा दीदी दो शब्द कुछ बोले आशीर्वाद स्वरूप। अब शब्द बोलने के लिए तो है नहीं, सर विवेक जी ने बोल दिया, फिर भी मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ दोनों भाइयों को जिन्होंने इतना अच्छा सोचा इस लखनऊ में। और सच में ये बहुत बड़ा देन है लखनऊ के लिए कि उनको बॉम्बे ना जाके यहीं पे सब फैसिलिटीज मिलेंगी, और आशा करते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश रहें और यहीं पे सब काम करा सकें, ज़्यादा बॉम्बे ना जाना पड़े। नहीं आपको बुरा लग रहा होगा, बॉम्बे भी जाएंगे बट लखनऊ में भी करना चाहिए, और ये चीज़ इन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे अच्छे लोगों ने मिल के किया। और मैं विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर, आप इससे पहले भी कर चुके हैं, वो भी अच्छा चल रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।